इंडिया गठबंधन की बुधवार को मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से गठबंधन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि लोगों के जनादेश ने भाजपा और उनकी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। यह भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनादेश है। इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। खड़गे ने आगे कहा कि लोग चाहते हैं कि भाजपा अब शासन ना करे। हम इसका ख्याल रखते हुए लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। यह हमारा निर्णय है और हम इन बिंदुओं पर पूरी तरह सहमत हैं और हम लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं सभी हमारे जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक Thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment, and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government and this is our decision and